वेलकम वेलकम, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सिर्फ क्रिकेट में आए नहीं, आप लोगों ने तो धूम मचा दी। तो कैसा फील होता है जब आपको फीडबैक मिलती है, लोग मिलते हैं? बहुत ज़बरदस्त फील होता है, और ये आवाम ही है जो एक्चुअली हमें खड़ा करके रखी हुई है। यही कॉन्फिडेंस एक्चुअली इनका हमें चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस देते रहेंगे, हम परफॉर्म करते रहेंगे। क्या बात है, रिकॉग्निशन जब रिकॉग्निशन जब मिलती है, अप्रिसिएशन जब मिलती है, इस तरह की तानियाँ जब मिलती हैं, तो हौसला और भी बढ़ जाता है कि पाकिस्तान को और रिप्रेजेंट करना है और नाम रोशन करना है। क्रिकेट क्यों खेलना था? घर वालों को, मेरे तो घर वालों को शौक था। अच्छा। हाँ जी जी, मेरे डैड को बहुत ज़्यादा। कभी मैंने नहीं सुना है। नहीं, मेरे डैड को बहुत ज़्यादा था कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, उन्होंने ही रास्ता दिखाया था मुझे। वाह भाई वाह भाई, आपके वाले साहब को सलाम, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे तो रास्ता किसी ने नहीं दिखाया था। सही। पर पैशनेट इतने ज़्यादा थे सारे घर वाले, क्रिकेटर्स ही थे सारे। तो बेसिकली मेरे फादर ये सिर्फ चाहते थे कि मेरा कोई भी बच्चा जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो भी एक फर्स्ट क्लास प्लेयर रह चुके हुए थे, तो उनका दिल था कि एक बच्चा रिप्रेजेंट करे। अनफॉर्चुनेटली वो एक बची निकली, और जो कि हमारे सोसाइटी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि एक लड़की इस तरह बोल्ड सोसाइटी का एक इस तरह बताया कि जी हमें ना सिर्फ लड़की, कप्तान भाई, कप्तान। The Knock Knock Show.